प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के विनयी संत श्री प्रकाशानंद बापू हमें सुविचार श्रवण करा रहे हैं। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी सज्जनों का मैं तहदिल से स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सज्जनों, आपको पता है इज्जत सिर्फ पैसे की ही है, इंसान की नहीं है। किसी पार्टी शादी हो रही होती है, आप जब महंगे गिफ्ट लेके जाते हो उसकी ही इज्जत होती है। यकीनन आपने जिन मित्रों पर खूब रुपए खर्च किए हैं आपके बुरे दिनों पर वही सबसे पहले आपको छोड़कर भाग जाएंगे। आप चाहे तो आज ही मित्रों से मदद मांगकर उनकी मित्रता आंक सकते हैं। दूसरा विचार, दुनिया में रहते हुए सज्जनों दो चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। न भूलने वाली चीज एक तो परमात्मा, दूसरी अपनी मौत। भूलने वाली दो बातों में से एक है आपने किसी का भला किया हो तो उसे तुरंत भूल जाओ, और दूसरी किसी ने तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ बुरा भी कर दिया हो तो उसे तुरंत भूल जाओ। बस दुनिया में दो ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी है। सज्जनों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक दिन सिर के बल गिरा देगा। प्यारे सज्जनों, इस संसार में ना घृणा से घृणा कभी भी कम नहीं होती। अगर घृणा कम करना चाहते हो तो घृणा प्रेम से ही कम होती है। सज्जनों, जो ईमानदार वही नीतिवान, इसलिए कहा गया ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। सज्जनों, अपनी इंद्रियां जिसके बस में है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। धन का अहंकार रखने वाले हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि पैसा कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। हर आदमी को धन की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। सज्जनों, धनाढ्य होने के बाद भी यदि लालच और पैसों का मोह है तो उससे बड़ा गरीब और कोई नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति लाभ की कामना करता है लेकिन उसका विपरीत शब्द अर्थात भला करने से दूर भागता है। सज्जनों, अंतिम विचार, गुलाब कांटों में भी खिलता है, मुस्कुराता है। आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, खिलो तो लोग आपसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और कुत्ता चाहे तो भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना हो तो सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है, हम कितने महान हैं। इसलिए मनुष्य जन्म उत्तम, इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना भाई, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना।